Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Hello people, welcome to another video from Shifting Gears. कुछ पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बहुत जल्दी बात करेंगे, जैसे कि अपने इंडियन वेदर कंडीशंस, उसके बाद बैड रोड्स, देन द ट्रैफिक, देन पुअर लेन डिसिप्लिन, आफ्टर दैट पेडेस्ट्रियन प्रॉब्लम, देन पुलिस, देन द बाइक टेक्नोलॉजी, एंड लास्टली हाउ यू कैन नॉट यूज द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस मोटरसाइकिल। पहले बात करेंगे इंडियन वेदर कंडीशंस के बारे में। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर ठंड पड़े तो भी वो दिल्ली में पड़ती है, और सर्दी के मौसम में टेम्परेचर्स लगभग 17-18 डिग्री तक जाते हैं या 6-7 डिग्री तक जाते हैं नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में। लेकिन थ्रू आउट द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, से फॉर एग्जांपल इन बॉम्बे और डाउन साउथ इन बैंगलोर और एनीवेयर एल्स, वेदर कंडीशंस आर नॉट दैट कोल्ड, और इसी वजह से राइडिंग अ सुपर बाइक बिकम्स डिफिकल्ट। ये बाइक्स बहुत ज्यादा गर्म होती है, इनका टेम्परेचर सिटी राइडिंग में 100 डिग्रीज के आसपास चले जाता है, एंड यू फील दिस हीट ऑन योर फीट। इसी वजह से आप थोड़े अनकंफर्टेबल जरूर फील करते हो। सो व्हेन यू वांट टू राइड दिस मोटरसाइकिल्स इन इंडियन रोड्स, यू हैव टू मेक श्योर एंड मेक पीस विद द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी हॉट। द नेक्स्ट पॉइंट इज बैड रोड्स। इंडियन रोड कंडीशंस अगर आप कंपेयर करो टू एनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, रोड कंडीशंस आर नॉट दैट ग्रेट। देयर आर बैड पॉट होल्स, there are big speed bumps, and just the tarmac quality is not that great. Of course, we are improving and developing our road infrastructure, but still, it is not right up there compared to international standards. That is why riding these bikes to their full potential out on the Indian streets, thanks to our bad road conditions, is a little dicey. इसके बाद बात करेंगे traffic conditions के बारे में। ये bikes काफी बड़ी होती हैं और ये काफी heavy भी होती हैं। ये bike, for example, 200 किलो वे करती है फुली लेडन कंडीशंस में। सो व्हेन यू वांट टू राइड दिस बाइक्स, यू हैव टू मेक श्योर यू राइड इन अ प्लेस एट अ सिचुएशन वेयर यू डोंट गेट कॉट अप इन ट्रैफिक अलॉट। आपको ये सोच के निकलना पड़ेगा कि जब आप बाइक चला रहे हो तो आपको ओपन रोड्स जरूर मिलेंगे। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज टू मैन्यूवर दिस बाइक, एंड ऑल्सो देन एज अ रिजल्ट बाइक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और गर्मी की वजह से आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज बैड लेन डिसिप्लिन। इंडिया में लेन डिसिप्लिन बहुत ही खराब है। अगर आप नोटिस करोगे सिटी में तो ये काम चलाने लायक है, लेकिन जब आप सिटी के बाहर जाते हो, पीपल डोंट यूज देयर टर्न इंडिकेटर्स, दे डोंट यूज देयर रियरव्यू मिरर्स, मिरर में देखते नहीं है, लेन डिसिप्लिन बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाई आपकी लाइफ को जरूर रिस्क होती है जब आप कोई सुपर बाइक चला रहे हो या एक्चुअली कोई भी मोटरसाइकिल चला रहे हो। इफ यू आर राइडिंग फास्ट, अगर आप तेज चला रहे हो, आपको हमेशा नजर रखनी पड़ती है कि दूसरे लोग कैसे चला रहे हैं उनकी अपनी गाड़ी, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में तो है ही, लेकिन आपको दूसरों की सेफ्टी भी कंसिडर करनी है। लोग इंडिया में बहुत ही आराम से चलते हैं, रोड क्रॉसिंग के टाइम एकदम आराम से अपना वक्त लेके क्रॉस करते हैं। लाइक द ओल्ड एड सेड, द स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद इडियट्स। अब हम इसे ज़्यादा इलैबोरेट तो नहीं करेंगे, लेकिन पेडेस्ट्रियंस का आपको खास करके ध्यान रखना पड़ता है। सिंस दीज बाइक्स कैन गो फास्ट, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू राइड इट सेफली एज वेल, और इसी वजह से आप इन बाइक्स को एक रेगुलर सिटी बाइक की जैसे चलानी पड़ती है आपको सिटी में, और ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई पेडेस्ट्रियन आपके सामने ना आए। द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कोर्स द पुलिस प्रॉब्लम। जब आप ये बाइक लेके बाहर निकलते हो, सम टाइम्स द पुलिस स्टॉप्स यू बिकॉज दे अज्यूम दैट यू माइट बी राइडिंग फास्ट। दिस हैज हैपेंड टू क्वाइट अ फ्यू बाइकर्स आउट ऑन द इंडियन स्ट्रीट्स वेयर दे वर स्टॉप्ड एंड पुल्ड ओवर जस्ट बाय द कॉप्स टू मेक श्योर दैट दे राइड सेफली। फुल राइडिंग गियर, अ हाई स्पीड मोटरसाइकिल इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू टू गेट पुल्ड ओवर टू बी आंसरेबल टू द कॉप। लेकिन ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है जब आप डिसेंट रीजंस देते हो पुलिस को कि ये बाइक क्या है, कैसी है, बिकॉज एट टाइम्स they also need explanation when they see something new out on the Indian streets. The next point is the bike technology. When you are riding a super bike, jab aap koi liter class super bike ya koi bhi imported motorcycle Indian streets pe chala rahe ho, do note this that your bike is 99.99% more advanced than any other motor vehicle out on the Indian streets. Aapki bike mein jitne features honge, say for example traction control, ABS, cornering ABS and other riding modes, ye कोई दूसरी गाड़ी में नहीं है। Until and unless these other cars and bikes are German imports or Japanese imports or just from the segments above. So, जब आप बाइक चला रहे हो सिटी रोड में,
और आपके बाजू में से फॉर एग्जाम्पल एक ऑटो रिक्शा है, एक बस है, या देर आर एनी अदर पिकअप व्हीकल्स और एनी अदर कार्गो व्हीकल्स, और से फॉर एग्जाम्पल एनी अदर पैसेंजर व्हीकल अंडर 10 lakh rupees, सो दीज कार्स आर नॉट एज मच इक्विप्ड एज मच एज योर बाइक इज. So you have to make sure that you ride your motorcycle sensibly so that you are safe. Aapki safety aapke haath mein hi hogi. And the last point is, when you buy these bikes, you cannot use them to their full potential here in India. There is just no infrastructure. And combined with all the points that we've mentioned before, sare points ko madde nazar rakhte hue, ye bike aap inke full potential pe bilkul nahi chala sakte ho. For example, this Kawasaki Ninja ZX10R rides over 100 km per hour easily in its first gear. Top speed is over 300 km per hour. Kahan chalaoge ye bike 300 ki speed tak? Of course, you can go to your race track, but race tracks ki India mein bahut zyada kami hai. And apart from the Dibrugarh International Circuit, which might allow you to do that high speed, the other two racetrack options are not that big to allow you to exploit the full potential of these motorcycles. Aapko apni bike sensibly chalani hai, aapko apni bike responsibly chalani hai, and we are not saying that these bikes make no sense in India. Of course they do, and if you have money, of course you can find some sense in it. But currently, the road infrastructure is developing, and in the years to come, we will be able to ride with the throttle wide open. Till next time, hum jaise ki hamesha kehte hain, ride safe, helmet hamesha pehniye aur rear view mirrors ka use kijiye taki aap safe rahe Indian road conditions mein. Aur barish ke mausam mein ye dhyan rakhiyega ki aapke tyres ki condition achhi hai aur safely chalaiye. Thank you.